नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय का तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पूरी तरीके से राजद कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी है वो लगी है और पूरा सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। पहले लालू राबड़ी आवास को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, अब जो राजद का प्रदेश कार्यालय है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ कार्यकर्ता अंदर हैं। सर, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, इससे पहले क्या कार्यालय में कोई पॉजिटिव निकला है? नहीं, पॉजिटिव कार्यालय के पदाधिकारी लोग नहीं निकले थे, लेकिन कुछ पत्रकार बंधु या कुछ बाहर से जो लोग आए थे वो पॉजिटिव निकले थे। तो इस कारण हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार ये पूरे पार्टी कार्यालय को सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है, ताकि लोग, यहाँ आने वाले लोग भी सुरक्षित रहें, पत्रकार सुरक्षित रहें, कार्यकर्ता सुरक्षित रहें, आम जनता सुरक्षित रहें। और आम जनता से भी निवेदन है कि वे घर जहाँ पर पॉजिटिव निकले हैं वहाँ सैनिटाइज करवाइए, आवाम को मास्क लगा कर रखिए और दूरी सामाजिक बना कर रखिए, जिससे कि कोरोना फैले नहीं, तेज़ी से नहीं फैले और कंट्रोल में रहे। तेजस्वी यादव ने आदेश दिया था कि हाँ, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और माननीय जगदानंद दोनों जी का निर्देश पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। अच्छा, अंदर क्या ऑफिस कार्यालय तो अभी फिलहाल बंद है, अन्य लोग जो हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते, क्या आप लोग ऑफिस के अंदर कार्य चल रहा है? नहीं, ऑफिस के अंदर जो इमरजेंसी का कार्य है वो इमरजेंसी का कार्य सिर्फ चल रहा है और कोई विशेष कार्य नहीं चल रहा है। जो जरूरी है कि खुलना है, यहाँ जो भी आवश्यक कार्य है इसके अधिकारी और पदाधिकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कार्य चल रहे हैं वो सभी पदाधिकारी अपने अपने निवास पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कार्यालय बंद है, आप देख सकते हैं कार्यालय बंद है, मगर पूरी तरीके से कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया था और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के निर्देशानुसार कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज दिनांक यानी 8 जनवरी से ही कार्यालय को बंद किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े और प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पॉजिटिव हो गए, यानी कि कोरोना के चपेट में आ गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी आवास को भी सैनिटाइज कराया पूरी तरीके से और आज पार्टी कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो वाहन है वो लगी है और पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना का जो खतरा है और कोरोना का जो प्रकोप है उससे बचा जा सके। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।